CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम हवाई किले। बीवी चूल्हा फूंक रही थी। ओहो, गीली लकड़ियां उठाकर दे दी, जैसे खैरात में ही तो दी हैं। मुंशी जी आते हैं। अरे भाई कहाँ गई? ला हौल विला कुव्वत, वही हांडी चूल्हा। अरे छोड़ो भी उसे। अरे मैं पूछता हूँ, कोई तार तो नहीं आया? तार? कैसा तार? यानी मालूम भी है, आज 7 तारीख है। अरे आज ही तो तार आएगा उस लॉटरी का। वो टिकट भी रख लिया है संभाल के, पहले तो वो मुझे निकाल कर दे दो। टिकट निकाले देती हूँ, मगर हांडी में देर हो जाएगी और नसीम स्कूल से आकर मेरा सर खाएगा। अरे जाओ जाओ, तुम टिकट निकालो बस। अरे कौन है भाई? जी मैं, सलीम। अरे तो आ जाओ, तुमसे छुपता कौन है भाई? आदाब, आदाब अर्ज़। जीते रहो जीते रहो। कहो खैरियत है? वतन और बच्चे सब अच्छे हैं? जी हाँ, सब अच्छे हैं। बीवी को नजला है, बड़ा बच्चा बुखार में मुब्तला है और छोटे के चेचक निकल आई है। बहरहाल खैरियत है। रास्ते में तार घर का कोई आदमी तो लाल बाइसिकल पर नजर नहीं आया ना? नहीं तो क्यों, खैरियत तो है। एक तार का इंतजार है। मियाँ, ये तुमने जर्द बाग के चौराहे के करीब लाल रंग की 2 मंजिला कोठी देखी है, जिसके सामने जरा बाग वगैरह लगा हुआ है? हाँ हाँ, वही कोठी ना जो आजकल बिक रही है। हाँ हाँ, और क्या, मेरा ख्याल है ले लूँ। क्या पड़ी रहेगी? क्या कह रहे हैं भाभी? आधा वर्ष भाभी। जीते रहो, अच्छे तो हो। हाँ, बिल्कुल सही। ये लो टिकट संभालो। हाँ हाँ हाँ, यही है। हाँ, तो मियाँ सलीम वैसे तो बुरी नहीं है, वो उसके 40,000 मांगते हैं और ख्याल है कि 35 तक दे देंगे। अच्छा अच्छा, क्या चीज भाई? आज एक कोठी देखी है, अभी नई है, शायद 10 बरस की होगी। तो कौन ले रहा है वो कोठी? ओहो, फिर वही। अरे साहब, मेरा ही इरादा है, और कौन लेता? और मियाँ सलीम जानते हो, वहाँ मोटर रखने की भी जगह है। मुझे ये शेख चिल्लियों की सी बातें अच्छी नहीं लगती। है? शेख चिल्लियों की सी बातें? अरे जब उस कोठी में जाकर बैठोगी रानी बनकर, अच्छा, तो उस वक्त पूछूंगा मिजाज शरीफ तुम्हारे। तो आखिर मालूम तो हो कि किस्सा क्या है? यानी क्या आप वाकई खरीद रहे हैं कोठी? अरे सलीम, जरा इनसे पहले ये पूछो कि रुपया कहाँ है। ओ, ओ, तुम फिर वही। हम तो अपना इंतजाम पहले से कर रखे। आखिर ये मुआमला क्या है, मैं तो खुद हैरान हूँ। अच्छा, तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ, मगर मैं तो हांडी देखूँ। अरे जाओ जाओ, मेरा क्या है, मगर बाद में तुम ही कहोगी कि किसी सलाह मशवरा में शरीक नहीं किया। मैं तो कहता था कि तुम भी चलकर कोठी देख लेती, मगर खैर अब कल परसों तक मोटर में चलकर देख लेना। मोटर पर नहीं, हवाई जहाज पर। क्या मानी? यानी तुम गलत समझती हो, आखिर मैं क्या घास खा गया हूँ जो मोटर कंपनियों की फहरिस्त बटोरता फिरूं? मैंने तय किया है कि मैं एक छोटी सी गाड़ी रखूंगा रोजमर्रा के लिए, और एक जरा कीमती और बड़ी भी होनी चाहिए। क्या? यानी कि सचमुच की सड़कों पर चलने वाली मोटर? भैया जी, बहमा को तुम भी हैं, और नहीं तो क्या, कूकदार बच्चों का खिलौना। मगर मेरी अक्ल हैरान है कि आज यहाँ ये कैसी बातें हो रही हैं? आखिर किस्सा क्या है, कुछ मालूम भी तो हो। तुम्हारे भैया कहीं डाका डालने वाले हैं शायद। अच्छा, अच्छा, फिर वही। तुम तो चुप ही रहो। अरे साहब, मैं पूछता हूँ कि ये क्या नामुमकिन है? एक बात बताएं,
मगर आज आपको ये ख्याल कैसे आया, वो भी बैठे बैठाए? आखिर ये बड़े आदमियों की सी बातें बिला वजह नहीं हो सकती ना। भाई बात ये है कि अब की बार मैंने भी लॉटरी का टिकट लिया है। लॉटरी का टिकट है? यानी तुम भी हंस रहे हो? मामिया तुम भी? खुदा करे अभी थोड़ी देर में मुझको तुम देवर भाभी पर हंसना पड़े। यानी मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें हंसने और मजाक करने की कौन सी बात है। भाई साहब हंसने माफ कीजिएगा, हंसने की वजह ये है कि सब कुछ हवाई मंसूबे हैं गोया। मियां दुनिया उम्मीद पर कायम है, तुम चले हो वहां से हवाई मंसूबे लेकर और जो इसी बहाने से मेरी किस्मत में दौलत लिखी हो तो। भाई साहब खुदा करे अब के आपको ही इनाम मिले, सभी के दिन फिर जाएंगे। अरे दिन फिर जाएंगे? यकीन जानो कि मैं तो तुम्हारी तरफ से इस्तीफा लिख चुका हूँ। ये देखो बस्ते में कहाँ गया बस्ता, हाँ ये देखो मेरा और तुम्हारा इस्तीफा लिखा रखा है, देखो ये रहा। आपका इस्तीफा तो ठीक है मगर मेरा क्या खूब यानी अब दुनिया को मुझ पर हंसवाओगे भी कि लखपति का भाई 40 रुपल्ली की नौकरी करे। तुम जायदाद का काम देखना, 2 गांव और 1 बाग पहले से तजवीज कर रखा है, इसके अलावा और जायदाद भी तो आखिर खरीदी जाएगी। तो भाभी को बुला लीजिए ना, उनको तो शायद किसी भी बात की खबर नहीं। अरे साहब मैंने कहा सुनती हो? हाँ हाँ सुन रही हूँ। क्या है? नसीम को खाना खिला रही थी, कहो क्या कहते हो, वही मुई जटे उड़ रही होंगी। देखा मियां सलीम तुमने, इसीलिए नहीं बुलाता था। तुम ख्याली पुलाव पकाते जाओ। अच्छा भाभी 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 बैठ जाइए ना, बैठ जाइए। भाई जान ने तो 2 गांव और बाग भी तजबीज कर रखा है और हम दोनों के इस्तीफे तैयार हैं। तो फिर इनके पास तार आ चुका होगा, ये बन रहे हैं। अरे तार आ चुका होता तो मैं इस कबाड़ खाने में इस तरह बैठा होता? ला हौल विला कुव्वत। ये देखिए मियां सलीम, ये बेगम साहिबा के कपड़े, मालूम होता है कि जैसे घोसन। आए खूब याद दिलाया, वो घोसन मुई मेरी नाक में दम किए हुए है। कह गई है कि जब तक पिछले महीने का हिसाब पूरा नहीं हो जाएगा एक कतरा भी दूध का ना देगी। यही सब तकाजा करने वाले कल इस बात पर फख्र करेंगे कि एक लखपति भी इनका मकरूज था। तो अब तुम ही उनको आकर समझाना। तार ले जाइए। तार? अरे सुनती हो, तार आ गया तार। अरे मियां सलीम तार आ गया, तार आ गया, मैं जा रहा हूँ तार लेने। क्या कह रहे? तार आ गया भाई। वाह रे तेरी शान, तूने दिन पलट दिए। भाई 1 रुपया है क्या? मगर तुम्हारे पास कहाँ होगा। मियां सलीम 1 रुपया हो तो जरा तार वाले को दे आओ। अच्छा अच्छा, आई देखो इनाम कितना निकला है, बिस्मिल्लाह करके खोलना तार। मियां सलीम तुम्हारे हाथ मुबारक हैं, तुम ही खोलो। हाँ ठीक है ठीक है। मेरे हाथ तो इस वक्त कांप रहे हैं, दस्तखत करने की जगह लिख गया था लखपति। क्या कहा, लखपति लिख गए थे? तो भाई साहब गलत ही क्या लिखा आपने? अरे भाई तो इसे खोलो ना जल्दी से। तो तुम खुद ही क्यों नहीं खोलते? नहीं 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 नहीं, मुझे तो कुछ इख्तरासा हो रहा है। लेना सलीम मियां, देखो जरा रकम कितनी है। ओ क्यों, क्या बात है सलीम मियां? नहीं नहीं कुछ नहीं। अरे किधर गया मेरा चश्मा? लो पढ़ो। महमूद भाई का तार है, भाभी जान कल शाम की ट्रेन से आ रही हैं। अरे लोगो अब मैं अपने दिल को कैसे संभालूं? अरे मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? अरे अरे हवा करो हवा करो। साहब क्या हो गया, क्या हो गया, सब ठीक है ना भाई साहब? अरे देखो कोई हवाई किले। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमनारा, आलेख
शौकत थानवी, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और वैभव श्रीवास्तव, ध्वनियांकन बटिलैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।